मिस्टर ओबेरॉय, अब तो बता दीजिए आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि शिवाय सिंह ओबेरॉय जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं दक्ष कपूर को वापस लेकर आऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। दक्ष, हेलो एवरीवन। एक्चुअली शादी के मंडप से उस दिन मैं चला गया था और आप लोगों ने प्रियंका के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। मैं शादी के मंडप से इसलिए गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आई एम रियली सॉरी शिवाय कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। और प्रियंका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, सो प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं दक्ष, इट्स ओके। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता है और भी अच्छे के लिए होता है। तो क्या आपने हमें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मीडिया के सामने दक्ष कपूर से माफी मंगवा सके? नहीं नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी क्योंकि एक मिनट मुझे भी बोलने दो। तुमने तो काफी कुछ कर लिया, अब थोड़ा बहुत मुझे भी करने था। प्लीज, आई नो कि तुम क्या बोलने वाले हो शिवाय, और मैं खुद भी इसी मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था। आई विश के टिया दिया होती तो अपनी आंखों से देखती अपने भाई का कमाल। बट एनीवे, अब वो ये सब न्यूज चैनल पर देखेंगे कि शिवाय सिंह ओबेरॉय ने अपनी बहन प्रियंका के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी दक्ष कपूर के नाम कर दी है। आई नो तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है। कभी कभी हम सोचते कुछ हैं और वो कुछ और चाहता है। इससे पहले मैं मीडिया से कुछ कहूं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अनिका, अनिका तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई है। अनिका, दो दशकों उसका गिफ्ट। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुमने की थी, ये उसका जवाब है। प्रियंका, कुछ कहना है तुम्हें दक्ष से? मेरी बात सुनो।